Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope you all are watching the videos regularly. Children, videos are uploaded for you, so do watch the videos in proper sequence. And you know that nowadays I'm giving you practice of comprehension passage. And so far we have done टू पैसेजेस, दो पैसेज मैं आपको करवा चुकी हूँ. आज हम एक और पैसेज करेंगे. एटलीस्ट फोर फाइव पैसेजेस की प्रैक्टिस मैं आपको इस बार सोच रही हूँ करवा दूँ, ठीक है. तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करते हैं तो एक रिटन पैसेज आता है. दैट पैसेज कैन बी अ सीन पैसेज, कैन बी एन अनसीन पैसेज. पैसेजेस दो तरह के होते हैं, सीन पैसेज और अनसीन पैसेज. सीन पैसेज मतलब जिसे आप देख चुके हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मैंने आपको दो पैसेज कराए हैं, सपोज़ आपके इवैल्यूएशंस में उन्हीं दोनों पैसेज में से मैं आपको कुछ दे देती हूँ, इसका मतलब वो सीन पैसेज हुआ. आपने उसे पहले देख रखा है, आपने उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज आपने पहले से कर रखी है. मतलब वो पैसेज आपके देखे हुए हैं, वो एक्सरसाइजेज आपने पहले से कर रखी हैं, वो सीन पैसेज हो गया. पर सपोज़ ये जो दो पैसेजेस मैंने कराए हैं वो नहीं दिया मैंने एग्ज़ाम में, उसकी जगह पे कोई दूसरा ही ऐसा दे दिया जो मैंने प्रैक्टिस में नहीं करवाया, जो मैंने कॉपी में नहीं करवाया, आपके चैप्टर में से भी नहीं है, तो ऐसे पैसेज को बोलते हैं अनसीन पैसेज. अनसीन पैसेज तो उसमें क्या होता है, क्योंकि आपने वो पैसेज देखा नहीं होता है, पहले से पढ़ा नहीं होता है, तो आपको उस वक्त पढ़ना होता है, ध्यान से पढ़ना होता है, कॉम्प्रीहेंड करना मतलब उसको समझना है, और उससे रिलेटेड फिर जो एक्सरसाइज होगी वो आपको करना होता है, ठीक है. तो अभी जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ वो इसीलिए करा रही हूँ कि पैसेज कैन बी सीन, कैन बी अनसीन. हो सकता है इन्हीं में से कोई एग्ज़ाम में आ जाए, हो सकता है कोई नया आ जाए, तो प्रैक्टिस आपको पूरी रहनी चाहिए, ठीक. चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं हम. मैं पैसेज आपके लिए मैंने लिया हुआ है, तो मैं पैसेज अभी यहाँ पे टॉपिक डाल देती हूँ. कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है. हमेशा देखो लिखा रहेगा ऊपर ना, रीड द पैसेज, द मतलब आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है. अब पैसेज क्या है, इन विंटर दार्जिलिंग इज, दार्जिलिंग इज, सॉरी स्पेलिंग गलत है, दार्जिलिंग इज द नेम ऑफ अ प्लेस, ओके. दार्जिलिंग इज वेरी कोल्ड, इज वेरी कोल्ड. इन विंटर दार्जिलिंग इज वेरी कोल्ड. It snows for days together. It snows for days. फ्रेम में पहले देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं. ओके, डेज नीचे लिख देते हैं. आई थिंक कैमरे का जरा. ओके, नाउ इट इज जस्ट डेज टुगेदर यहाँ लिख देते हैं. ओके, यू कैनॉट सी द सन, यू कैनॉट सी द सन. पीपल वेयर थिक वुलन क्लोथ्स, पीपल wear thick thick woolen clothes and drink
lots of hot, in summer, Darjeeling is cool and pleasant. Cool and pleasant. People enjoy going out for long walks. Tiger Hill, I'll write it below. Tiger Hill is near Darjeeling, it is very high, on a clear morning, you can see Mount Everest from there. The Everest looks like a long finger of snow pointing towards the sky. चलिए, पैसेज बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, इसको समझना है हमें. लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. इन विंटर, विंटर आपको पता है सीजन, जो सर्दियों का मौसम होता है, दैट इज कॉल्ड विंटर. सो इन विंटर दार्जिलिंग इज़ वेरी कोल्ड. दार्जिलिंग एक जगह है इंडिया में, इन आसाम, और वो बहुत ही ठंडा प्लेस है. दार्जिलिंग बहुत ठंड होती है विंटर्स में. दार्जिलिंग में बहुत ठंड पड़ती है. इट स्नोज फॉर डेज टुगेदर, और वहाँ पर बहुत बर्फ़ गिरती है विंटर्स में. वहाँ बहुत बर्फ़ गिरती है. You cannot see the sun, और कई दिनों तक sunlight नहीं मिलती, धूप नहीं निकलती है. You cannot see sun मतलब धूप नहीं दिखाई देती है, धूप नहीं निकलती है. People wear thick woolen clothes, लोग वहाँ पे मोटे मोटे ऊनी कपड़े, woolen कपड़े पहन के रखते हैं. And drink lots of tea, और खूब गरम गरम चाय पीते हैं, hot tea पीते हैं. आपको पता है, मैं इसमें मेंशन नहीं है पर मैं आपको बता रही हूँ, दार्जिलिंग एक जगह है जहाँ पर चाय की खेती की जाती है. वहाँ पे चाय, अब चाय के प्लांट हैं, वहाँ पे टी प्लांट्स हैं,
चाय जो है वो पत्ती से बनती है ना, जो चाय हम पीते हैं मतलब बड़े लोग जो पीते हैं, जो पत्तियाँ होती हैं वो कहाँ से आती हैं? चाय के बगीचों से आती है, चाय के बागान से आती है। तो दार्जिलिंग में चाय की खेती की जाती है। चाय जो है ना वो माउंटेन्स पे, हिल्स पे उगाई जाता है। चाय का जो खेती होता है वो नॉर्मल फील्ड में नहीं होता है, उसको माउंटेन्स नहीं बोलेंगे, हिल्स पे उसको उगाया जाता है। टेरेस फार्मिंग बोलते हैं, सीढ़ीदार खेती की जाती है। टेरेस फार्मिंग मतलब सीढ़ी सीढ़ी बनाया जाता है और उस पर उसको उगाया जाता है, उस पर उसकी खेती की जाती है। और क्या रीज़न है क्यों ऐसा किया था वो आप जब सीनियर क्लास में जाएंगे तब पढ़ेंगे। मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि दार्जिलिंग एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर चाय उगती है, चाय की पत्तियाँ उगाई जाती हैं, वहाँ पर उसकी खेती की जाती है। ठीक है, दार्जिलिंग चाय के लिए भी बहुत फेमस है। तो हॉट टी वहाँ के लोग पीते हैं। फिर समर में क्या होता है, दार्जिलिंग इज़ कूल एंड प्लेजेंट। जब समर का मौसम आता है तो दार्जिलिंग बहुत ठंडा, एकदम कूल प्लेस हो जाता है। और लोग क्या करते हैं, पीपल इंजॉय गोइंग आउट फॉर लॉन्ग वॉक्स। अलग ऐसे लोग टहलने के लिए दूर दूर तक पैदल निकल जाते हैं टहलने के लिए, इतना प्लेजेंट रहता है। टाइगर हिल इज़ नियर दार्जिलिंग। दार्जिलिंग के पास ही एक बहुत फेमस हिल है जिसका नाम है टाइगर हिल। उस हिल का नाम है टाइगर हिल, वो दार्जिलिंग के पास है। इट इज़ वेरी हाई और ये हिल बहुत ऊंचा है। ऑन ए क्लियर मॉर्निंग, क्लियर मॉर्निंग का मतलब जब आसमान साफ होता है, जब सन निकला होता है, उसको क्लियर मॉर्निंग बोलते हैं। मतलब आसमान में जब क्लाउड्स नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लियर मॉर्निंग। ठीक है, तो एक क्लियर मॉर्निंग जब होती है, जब आसमान में बादल कम होते हैं, अच्छी धूप निकली होती है, तो यू कैन सी माउंट एवरेस्ट। तो आप माउंट एवरेस्ट देख सकते हैं यहाँ से। अभी माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट हिमालयन माउंटेन रेंज का सबसे ऊंचा माउंटेन है। हिमालयस आपने नाम सुना है, हिमालय माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज का मतलब होता है माउंटेन का एक चेन ऑफ माउंटेन। ठीक है, एक माउंटेन हो गया ऐसे, ठीक है, लेकिन चेन ऑफ माउंटेन हो गया ये है चेन ऑफ माउंटेन। ठीक है, तो हिमालय क्या है? माउंटेन रेंज है, अ चेन ऑफ माउंटेन है। तो उसमें सबसे ऊंचा जो माउंटेन, इस चेन में जो सबसे ऊंचा माउंटेन है वो है माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है इस चेन ऑफ माउंटेन में? माउंट एवरेस्ट। हिमालयन माउंटेन रेंज का सबसे ऊंचा माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट यहाँ से देखा जा सकता है। एवरेस्ट कैसा लगता है यहाँ से? द एवरेस्ट लुक्स लाइक अ लॉन्ग फिंगर ऑफ स्नो। जैसे लगता है कि कोई उंगली है बर्फ़ की बनी हुई, एक ऊंची सी लंबी सी कोई उंगली है बर्फ़ की बनी हुई, जो आसमान की तरफ ऐसे है, एक लॉन्ग फिंगर जैसा दिखता है माउंट एवरेस्ट यहाँ से। और फिंगर ऑफ स्नो जो पॉइंटेड है आसमान की तरफ ऐसे ऐसे दिखा रहा है, ऐसा हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये इस पैराग्राफ में है। इट इज़ मोर अबाउट दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग प्लेस के बारे में यहाँ पर और वहाँ के मौसम, वहाँ के वेदर के बारे में ये पूरा पैराग्राफ है। मैं एक बार पढ़ देती हूँ आपके लिए। इन विंटर दार्जिलिंग इज वेरी कोल्ड। इट, मैं फिंगर रख के पढ़ दूँ, इन विंटर दार्जिलिंग इज वेरी कोल्ड, इट snows for days together, you cannot see the sun, people wear thick woolen clothes and drink lots of hot tea. In summer, Darjeeling is cool and pleasant. People enjoy going out for long walks. Tiger Hill is near Darjeeling. It is very high. On a clear morning, you can see Mount Everest from there. The Everest looks like a long finger of snow pointing towards the sky, आसमान की तरफ पॉइंट करता हुआ एक बर्फ का
उंगली जैसा दिखाई देता है, कौन? माउंट एवरेस्ट। इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ताकि जब मैं एक्सरसाइज कराऊं तो आप देख सकें कि आंसर हमें इसी पैराग्राफ में से मिल रहा है या नहीं, क्योंकि जो भी एक्सरसाइज हम करेंगे वो सबका आंसर इस पैराग्राफ में होगा। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर, जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे वो सारे आंसर्स इस पैराग्राफ में होंगे। चलिए अब हमें क्या करना है, अब इसकी एक्सरसाइज करें। नाउ आंसर दी क्वेश्चन। अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, तो इसमें हम कुछ चूज द करेक्ट ऑप्शन ले सकते हैं या फिल इन द ब्लॉंक्स के टाइम में ले सकते हैं, ट्रू फॉल्स के जैसे भी ये आ सकता है। ठीक है, किसी भी फॉर्म में ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, व्हेन डज इट स्नो इन दार्जिलिंग, व्हेन डज इट स्नो, When does it snow in Darjeeling? When does it snow in Darjeeling? ऑप्शन है हमारे ए समर, बी ऑटम, सी स्प्रिंग, डी विंटर। व्हेन डज इट स्नो इन दार्जिलिंग, कौन से सीजन में दार्जिलिंग में बर्फ गिरती है? कैन यू फाइंड द आंसर इन द पैसेज? जो अभी मैंने पैसेज लिखा था, क्या उसमें इस क्वेश्चन का आंसर है? है ना, पहली ही लाइन में है ना, इन विंटर दार्जिलिंग इज वेरी कोल्ड, इट स्नोज फॉर डेज टुगेदर, पहली ही लाइन में है ना, तो हम लिखेंगे ये विंटर हो गया। नंबर टू, इज दार्जिलिंग कूल और एंड प्लेजेंट इन समर, इज दार्जिलिंग कूल एंड इज दार्जिलिंग कूल एंड प्लेजेंट इन समर? आंसर, अब इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, यस दार्जिलिंग इज कूल एंड प्लेजेंट इन समर। ये आंसर सही है ना, क्या इसका आंसर है उस पैसेज में? यस है, लिखा है ना, इन समर दार्जिलिंग इज कूल एंड प्लेजेंट, लिखा है ना, इन समर दार्जिलिंग इज कूल एंड प्लेजेंट, यानी कि यस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स पीपल वेयर इन दार्जिलिंग ड्यूरिंग विंटर, what type, not what, which type of clothes?
which type of clothes, किस तरह के कपड़े, ठीक है, which type of clothes people wear in Darjeeling during winter. सर्दियों में दार्जिलिंग के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन वाला है ये, और पहला ऑप्शन है हमारा COTTON, कॉटन, बी वुलन, सी हमारा है नायलॉन एंड डी सिल्क. सो फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम द पैसेज. क्या पैसेज में इसका आंसर है? Which type of clothes people wear in Darjeeling during winter? Winter में Darjeeling के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? क्या इसका आंसर है पैसेज में? है ना? Fourth sentence में people wear thick woolen clothes. है ना लिखा हुआ? People wear thick woolen clothes. कैसे clothes पहनते हैं? Woolen clothes. फोर्थ सेंटेंस चेक कीजिए, उसमें लिखा होगा, है ना, पीपल वेयर थिक वुलन क्लोथ्स. यस, अब इसको मैं इरेज करती हूँ सो दैट वी कैन राइट अदर एक्सरसाइज. चलिए, ओह ये ऊपर ये भी मिट गया, इसको फिर से लिख देती हूँ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. दी एवरेस्ट लुक्स लाइक अ डैश ऑफ स्नो, अ डैश ऑफ snow pointing towards the sky. Option है निडल ऑफ स्नो, बी नाइफ ऑफ स्नो, सी फिंगर ऑफ स्नो एंड डी फ्लावर ऑफ स्नो. The Everest looks like dash of snow pointing towards the sky. Everest कैसा लगता है? बर्फ का बना हुआ क्या लगता है जो आसमान की तरफ है? It looks like finger of snow. है ना? ये आंसर पैसेज में है कि नहीं है? Finger of snow लिखा हुआ है ना? The Everest looks like a long finger of snow pointing towards the sky. Last sentence, है ना? Yes. Next, question number 5. Which hill is near Darjeeling? Which hill is
near, दार्जिलिंग. कौन सा हिल है दार्जिलिंग के पास? इज इट टाइगर हिल, बी डियर हिल, सी बेयर हिल या डी लायन हिल? कौन सा हिल है? विच हिल इज नियर दार्जिलिंग? क्या इस क्वेश्चन का आंसर है उस पैसेज में? यस, टाइगर हिल इज नियर दार्जिलिंग. टाइगर हिल है दार्जिलिंग के पास. कौन सा हिल है? टाइगर हिल है. अच्छा, कुछ तो ये हमारा डायरेक्टली हमने पैसेज में से ही ढूंढ लिया. ठीक है, क्या इस चैप्टर में कुछ ऑपोजिट वर्ड्स भी हैं? हैं. फाइंड आउट ऑपोजिट वर्ड इन द पैसेज. फाइंड एनी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज. पैसेज में कहीं पर कोई भी ऑपोजिट वर्ड है? आपने देखा होगा जो फर्स्ट लाइन है उसमें लिखा है इन विंटर दार्जिलिंग इज वेरी कोल्ड. ठीक है, एक वर्ड है कोल्ड. और इसका ऑपोजिट क्या है? कोल्ड का ऑपोजिट क्या होता है? हॉट होता है ना. कोल्ड का ऑपोजिट होता है हॉट. क्या पैसेज में कहीं हॉट लिखा हुआ है? लिखा है ना. पीपल वेयर थिक वुलन क्लोथ्स एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ हॉट टी. हॉट टी लिखा है ना. तो कोल्ड का ऑपोजिट हॉट है ना. पैसेज में कोल्ड हॉट, ये दो ऑपोजिट वर्ड्स हो गए. कोल्ड हॉट. तो हमें एक ऑपोजिट वर्ड हमें ढूंढना था. ठीक, अच्छा, कोई भी एक हमें ढूंढना था. सो वी हैव डन दैट. अच्छा, ये हो गया. नेक्स्ट नंबर 7. फाइंड द ऑपोजिट ऑफ लो फ्रॉम द पैसेज. एक वर्ड होता है लो, नीचे. इसका ऑपोजिट इस पैसेज में लिखा हुआ है. लो का ऑपोजिट क्या होता है? लो मतलब नीचा. नीचा का ऑपोजिट क्या होगा? नीचा का ऑपोजिट होगा ऊंचा, है ना. हिंदी में हमें पता है नीचा का उल्टा ऊंचा. तो लो का ऑपोजिट क्या इस पैसेज में कहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है. क्या होता है लो का ऑपोजिट? लो का ऑपोजिट होता है हाई. और इस पैसेज में लिखा हुआ है हाई. कहाँ लिखा हुआ है? टाइगर हिल इज नियर दार्जिलिंग. और क्या लिखा है? इट इज वेरी हाई. यस, टाइगर हिल इज नियर दार्जिलिंग एंड इट इज वेरी हाई. तो फाइंड द ऑपोजिट ऑफ लो. तो आंसर क्या होगा? ऑपोजिट ऑफ लो इज हाई, जो कि पैसेज में है, मेंशन्ड है. अच्छा, ये दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा मैं जो इसे नीचे करना पड़ेगा. नाउ आई थिंक इट इज विजिबल. ऑपोजिट ऑफ लो इज हाई. ऑपोजिट ऑफ लो इज हाई. और ये पैसेज में मेंशन्ड है, पैसेज में ही है. जहाँ लिखा है टाइगर हिल इज नियर दार्जिलिंग, इट इज वेरी हाई.
ठीक है, तो ये हमारा एक पैसेज और हो गया। चिल्ड्रन, वी विल डू वन मोर पैसेज जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आपको फोर पैसेजेस का एटलीस्ट प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको कॉम्पोजिशंस भी करनी है, कॉम्प्रिहेंशन के बाद कॉम्पोजिशन भी करेंगे हम अभी एक और पैसेज करने के बाद, ठीक। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर ऑफ करते हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू पैसेज। थैंक यू।